फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अब देखोगे अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी हैव नाउ कम नियरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर SFM सिलेबस. मतलब हम अपने सिलेबस की ओर धीरे धीरे करके एंड पर पहुंच रहे हैं अभी. एंड वी विल एंड आवर रिविजन सीरीज विथ द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स. समझ में आया? ये अपने सीरीज का लास्ट चैप्टर रहेगा फॉर रिविजन पर्पस, राइट? अगर तुम ऐसा सोच लो तो इट इज समथिंग लाइक योर सीजन फिनाले फॉर ऑल दोज हु वॉच टीवी सीरीज या कोई भी रियलिटी शो देखते हो. उसमें सीजन फिनाले कैसे होता है, वैसे फॉर आवर रिविजन सीरीज द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स विल बी आवर सीजन फिनाले एपिसोड्स, राइट? क्लियर? शुरू करें डिस्कशन डेरिवेटिव्स पर विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हाट अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली इज. डेफिनेशन ये बोलता है कि अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर फॉर एन अंडरलाइंग असेट विच इज टू बी बॉट और सोल्ड ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट फॉर अ सर्टन फ्यूचर प्राइस, राइट? सर समझा नहीं. कैन आई से देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, राइट? ये दो जन है, राइट? अब क्या होता है, दे एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया सर, बट किस पर्पस के लिए? टू buy or sell an underlying financial instrument. Sir, underlying financial instrument क्या होता है? What is an underlying financial instrument? Normal financial instrument क्या होता है पता है? Right, best example क्या आएगा अपना? Debt, equity, securities, right? So that is a normal financial instrument. So what do you mean an underlying? Can I say an underlying asset is nothing but an asset from which the price of this asset will be derived? मतलब एक ऐसा asset, the price of which is based on some real asset. बेस्ट एग्जाम्पल सर क्या कुछ दे सकते हो? HUL लिमिटेड, पता है इसके स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट? इट इज अ कंपनी हूज सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? बराबर, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट? कभी देखा है HUL के फ्यूचर्स मिलते हैं मार्केट में, राइट? बराबर, या HUL के ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? बराबर, ये ऑप्शन क्या होता है या ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑप्शन का एग्जांपल लेके लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है. कहना इसे ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन. कॉल में आपको क्या लगता है, प्राइस बढ़ेगा, एंड पुट में क्या लगता है आपको, प्राइस गिरेगा. मतलब कहने से एक तरह की बिलीफ थी आपके पास, यू हैड वन टाइप ऑफ बिलीफ, राइट? सो यू सेट अप अ प्राइस कि आज सपोजिंग 500 रुपए पे HUL का एक स्टॉक मिल रहा है, आपको लगता है प्राइस 20% अब तो जाने ही वाला है इन अराउंड एक आधा महीना. तो आपने क्या किया, यू परचेज अ कॉल एट 510, राइट? अभी ये कॉल जो आपने परचेज किया है उसमें क्या होगा, अगर शेयर का प्राइस मैच्योरिटी के डेट पर 500 से ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 510, ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, अगर उससे उसका प्राइस ज्यादा है तो आपको फायदा होगा, बिकॉज यू विल बाय इट एन असेट. सपोज 530 गया प्राइस ऑफ 530 एट 510, आप 510 में खरीदोगे, और मतलब इट विल नॉट बी एक्चुअल परचेज और सेल, बट यू विल हैव द अमाउंट ऑफ 20 रुपीज एज योर पे ऑफ ऑन सेटलमेंट डेट, राइट? नाउ टेल मी,
जब ये कॉल एक्सरसाइज हुआ आपके हाथ में सिक्योरिटी आई क्या एचयूएल की? नहीं. व्हाट केम इनटू योर हैंड्स वाज नथिंग बट द पे ऑफ ऑफ 20 रुपीज प्रॉफिट दैट यू वुड हैव अर्न्ड. आई एम अज्यूमिंग प्रीमियम वाज नील. आइडियली यू हैव टू पे प्रीमियम अगर पता हो तो. सपोज ले लेते चलो 2 रुपए का प्रीमियम पे किया है तुमने, बिकॉज यू हैव टू बाय सो यू हैव टू मेक अ पेमेंट, राइट? कहना ही से तुम्हारे हाथ में 18 रुपए का नेट प्रॉफिट आया इन दिस केस, राइट? ये प्रॉफिट किस चीज पे? आपको असेट नहीं मिला है हाथ में, बट कहना इसे आपका ये 18 रुपीज का प्रॉफिट वॉज मेड इन द कॉल ऑप्शन एंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉल ऑप्शन वॉज बेस्ड ऑन दिस अंडरलाइंग सिक्योरिटी विच वॉज नथिंग बट द शेयर ऑफ HUL लिमिटेड, राइट? समझा? मतलब कहना इसे अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच derives its value from the value of an underlying asset which is to be bought or sold by a buyer slash seller at a certain date in the future, right? This is nothing but your derivative contract as such. Understood? Clear with what a derivative is? आगे बढ़ते हैं. Now, before we go ahead into the details कि भाई कौन से instruments होते हैं और उसमें क्या क्या transactions या क्या क्या strategies होती है, कहने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस derivative market का participant कौन है, मतलब कौन कौन उस market में participate करता है, right? The basic understanding of participants of derivative market or can I say of any market will give us an idea of the nature or the mindset of the people in that market. अगर हमको लोगों का नजरिया पता है या उनका इंटेंट पता है तो कहने से उनकी अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज पता चल जाएगी कि वो किस इंटेंशन से उस मार्केट में आए, राइट? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन दैट वी हैव अंडर द डेरिवेटिव मार्केट इज नथिंग बट अ हेजर. सर हेजर का मतलब क्या? एक ऐसा बंदा जिसको अपना एग्जिस्टिंग एक्सपोजर कवर करना है. मतलब एग्जिस्टिंग एक्सपोजर क्या? मतलब कहने से उसने एक ऐसा पोजीशन ऑलरेडी ले लिया है, दैट इज यस ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन, राइट? अब वो पोजीशन क्या हो सकता है? कहने से इट कैन आइदर बी अ बाय पोजीशन और इट कैन बी अ सेल पोजीशन, राइट? या तो कोई खरीद सकता है या तो बेच सकता है. अब उस बंदे को क्या करना है? कैन आई से दिस हेजर हु हैज ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन वांट्स टू सेफगार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोजीशन, राइट? कोई आदमी खुद को सेफगार्ड क्यों करना चाहेगा? सो दैट योर पोजीशन डज नॉट गिव यू लॉसेस. अगर लॉस हो भी रहा है तो कैन आई से गिव्स यू लीस्ट पॉसिबल लॉस, राइट? दैट इज नथिंग बट वॉट अ हेजर नॉर्मली डज. ही हैज एन एग्जिस्टिंग एक्सपोजर. इफ आई स्पीक फ्रॉम फॉरेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैन आई से ही हैज एन एक्सपोजर ऑफ एफ सी रिसीवेबल और एफ सी पेएबल, राइट? एंड अकॉर्डिंगली ही टेक्स अ पोजिशन इन द डेरिवेटिव मार्केट टू सेव गार्ड द एक्सपोजर. हमारे एग्जाम्पल में हम लोग ने बाई सेल लिया था. अगर फॉरेक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखू तो कैन आई से द टू एक्सपोजर दैट ही हैव आर एफ सी रिसीवेबल एंड एफ सी पेएबल. And based on that, he will take strategies, right? Sir, ये समझा. अभी दूसरा कौन सा बंदा होता है? Can I say the other person who is popularly known as a speculator is also a participant in the derivatives market, right? Sir, speculator मतलब उसको कुछ तो speculation हो रहा है, मतलब वो अंदाजा लगा रहा है, right? Can I say speculation is nothing but a person who plays on belief कि उसको लगता है प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, राइट? राइट? ही इज प्लेइंग ऑन बिलीफ. मतलब कैन आई से ही डज नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग पोजीशन, राइट? कैन आई से नो एग्जिस्टिंग पोजीशन. बराबर. उसने कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं लिया बट उसको एक बिलीफ है, तो कैन आई से बेस्ड ऑन हिज बिलीफ ही कैन टेक अ पोजीशन, राइट? तो उसकी बिलीफ क्या हो सकती है? प्राइस गोज अप. एंड दूसरी बिलीफ क्या हो सकती है? प्राइस गोज डाउन, राइट?
बट एक्चुअल सिनेरियो अलग भी हो सकता है, राइट? प्राइस अगर उसको लगता है फ्यूचर में अब जाएगी तो आज क्या करेगा, कहना इसे व्हाट ही विल डू इज बाय टुडे, राइट? एंड इफ यू बिलीव द प्राइस टू फॉल इन द फ्यूचर तो वो क्या करेगा, ही विल सेल टुडे, राइट? खुद खुद की बिलीफ के हिसाब से पोजिशन तो ले लिया, बट कहना इसे वॉट मे टर्न आउट एट द एंड मे और मे नॉट बी इक्वल टू बिलीफ. सर समझा नहीं, मतलब कहना इसे एक्चुअल में क्या हो सकता है, एक्चुअल में प्राइस गोज अप, राइट? पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ऑब्वियसली. और कहना इस एक्चुअल में द प्राइस मे गो डाउन, राइट? एंड कहना इसे सेल स्ट्रेटेजी में भी सेम चीज हो सकती है, दैट प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए. अगर उसने सोचा था प्राइस ऊपर जाएगा और एक्चुअल में प्राइस ऊपर गया, कहना इसे बिलीफ वॉज ट्रू, देयरफॉर व्हाट ही मेक्स इज नथिंग बट प्रॉफिट, क्योंकि उसको लगा था भाव बढ़ेगा, बढ़ा, बढ़ गया तब बेच दिया. बट अगर प्राइस गिरा, उसको लग रहा था बढ़ेगा इसलिए खरीदा, बट अभी तो प्राइस गिर गया और सस्ता हो गया, कहना इसे व्हाट ही मेड वॉज अ लॉस, राइट? उससे सोचा था प्राइस गिरेगा बेच दिया, बट एक्चुअली प्राइस बढ़ा, कहना इसे अभी महंगे में खरीदना पड़ेगा टू क्लोज द पोजिशन, क्या होगा, लॉस. एंड कहने से प्राइस गिरा, सोचा था बेच दिया, और सच में प्राइस गिरा तो कहने से सस्ते में खरीदूंगा अभी, तो क्या होएगा, प्रॉफिट, राइट? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट योर स्पेक्यूलेटर डज इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, ही प्लेज ऑन हिज बिलीफ. अगर बिलीफ इज इक्वल टू एक्चुअल, प्रॉफिट. इफ बिलीफ इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल, सो यू विल गेट लॉसेस, राइट? अंडरस्टूड? अगले पार्टिसिपेंट पर जाते, द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दैट वी हैव अंडर द डेरिवेटिव मार्केट इज अ आर्बिट्राजर. सर आर्बिट्राजर करता क्या है? आर्बिट्राजर इज नथिंग बट अ पर्सन हु मेक्स प्रॉफिट आउट ऑफ मिसप्राइजिंग. सर समझा नहीं. सपोज मैं बोलू, एक जन बोलता है कि आई विल बाय एन असेट फ्रॉम द डीलर पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम सेइंग ही सेड दैट आई विल बाय द असेट एट 65 एंड सेल इट एट 67. दूसरा बंदा बोलता है आई विल बाय द असेट एट 68 एंड सेल इट एट 69, राइट? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होएगा? कैन आई से फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द सेलिंग रेट एंड दिस इज द बाय रेट. तो कैन आई से तुम भी लॉजिकली क्या करोगे इस केस में, कैन आई से 67 में खरीदोगे 68 में बी को बेच दोगे, राइट? कैन आई से दिस ट्रांजैक्शन gave you riskless profit which arise out of mispricing of the same asset in two markets, right? This is known as nothing but arbitrage profits. Understood? Clear? इसको बोलते हैं arbitrage gains which are nothing but your riskless profits that you have made ऑन अकाउंट ऑफ मिसप्राइजिंग. रिस्कलेस क्यों? क्योंकि तुमने कुछ रिस्क नहीं लिया. एक ने बोला था 67 में बेचूंगा तो तुमने उससे 67 में खरीद लिया, दूसरे ने बोला कि मैं 68 में खरीदता हूं तो तुमने उसको 68 में बेच दिया. उन्होंने ही कोट दिया था, उनके ही प्राइस पे ट्रांजैक्शन एंटर हुआ. नाउ कैन आई से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 68 वाले को अक्कल आएगी कि सब मुझे सिर्फ बेच रहे हैं, राइट? एंड कैन आई से 67 वाले को अक्कल आएगी कि सब मुझसे खरीद रहे हैं, तो कैन आई से ही विल इंक्रीज डिमांड एंड इसके पास सप्लाई बढ़ जाएगा तो कहने से प्राइस विल फॉल. एंड कहने से किसी दिन आके इन सम मोमेंट्स द प्राइस विल बिकम इक्विलिब्रियम, इन दोनों को अक्कल आएगी, सो कहने से दे विल ब्रिंग द प्राइस वेयर नो आर्बिट्राज इज पॉसिबल. सपोजिंग दोनों 67.5 पे आ जाए, फिर तुम आर्बिट्राज कर पाओगे नहीं. अंडरस्टूड? सो हु आर द थ्री टाइप्स ऑफ पीपल इन योर मार्केट? हेजर,
has exposure already. Second, speculator. Exposure hai? Nahi. He creates an exposure. And third is an arbitrager. Arbitrager ke paas exposure hai? Nahi. He creates the exposure and settles it down through a simultaneous buy or sell in the opposite market to get the arbitrage gains. Understood? Clear? इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट ऑफ दिस वीडियो संपन्न हुआ. लेट अस नाउ गो अहेड विद द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर नाउ. राइट, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर डेरिवेटिव्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल स्वॉप. स्वॉप का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तुमको मेरा एसेट चाहिए, मेरे को तुम्हारा एसेट चाहिए, तो क्या कर देंगे हम? एक्सचेंज. राइट, अ स्वॉप इज सिंपली एन एक्सचेंज. इसमें क्या होता है? इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टीज नेमली अ बायर एंड अ सेलर. राइट, एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब दोनों एक दूसरे के एसेट एक दूसरे को दे देते हैं. दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी एनीथिंग but most swaps involve cash flows based on a notional principal amount that both parties agree to. मतलब क्या होता है? एक बंदे को क्या लगता है? Supposing I take a best example, one person expects the rates in the market to increase. सामने वाले person को क्या लगता है? Market की rates गिरेगी. तो जिसको लगता है रेट्स इंक्रीज होगी, कहना इसे ही विल वांट टू गेन आउट ऑफ एवरी इंक्रीज. राइट, ही वांट्स टू गेन आउट ऑफ एवरी इंक्रीज बट ही इज नॉट श्योर कि कितना गेन बढ़ेगा. राइट, दूसरा बंदा है जिसको लग रहा है रेट गिरेगा, तो उसको क्या लगता है? रेट फॉल से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, बट अगर रेट फॉल नहीं हुआ तो मेरे को इतना है फिक्स्ड खर्चा चाहिए, या मतलब फिक्स्ड इनफ्लो चाहिए, उससे ज्यादा इनफ्लो नहीं चाहिए. सो कैन आई से ही वांट्स टू गेन आउट ऑफ रेट फॉल. राइट, बट ही डज नॉट वांट टू लूज बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट. राइट, एंड दिस पर्सन वांट्स टू गेन फ्रॉम रेट्स राइजिंग बट ही डज नॉट वांट टू लूज बियॉन्ड बिलो अ स्पेसिफिक अमाउंट. राइट, तो ये बंदे को क्या चाहिए? कहने से ही विल बी इंटरेस्टेड इन फ्लोटिंग इंटरेस्ट, एंड कहने से दिस पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन फिक्स्ड इंटरेस्ट. राइट, बट दिक्कत क्या हो रही है? दिस पर्सन इज गेटिंग ओनली फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन्स एंड दिस पर्सन इज गेटिंग ओनली फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन्स. मतलब दोनों को ऑपोजिट चीज मिल रही है, तो दोनों ने मिलके क्या किया? स्वॉप. अ स्वॉप विच इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स इज नोन एज एन IRS, दैट इज एन इंटरेस्ट रेट स्वॉप. अंडरस्टूड? इसमें क्या होता है? वन वॉन्ट्स फिक्स्ड, वन वॉन्ट्स फ्लोटिंग. बट जिसको फिक्स्ड चाहिए उसको फ्लोटिंग मिलता है, और जिसको फ्लोटिंग चाहिए उसको फिक्स्ड मिलता है. तो दोनों क्या करेंगे? जो मिलता है वो ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे? स्वॉप. अंडरस्टूड? दिस इज सिंपली अ स्वॉप दैट इज हैपनिंग. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट योर स्वॉप्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज एन इंटरेस्ट रेट स्वॉप दैट वी जस्ट सॉ, एंड वन इज अ करेंसी स्वॉप. मतलब एक को डॉलर चाहिए बट रूपी मिल रहा है, दूसरे को रूपीज चाहिए पर डॉलर मिल रहा है. सो दोनों ने खुद का ले लिया रूपी और डॉलर, एंड फिर क्या किया? स्वॉप कर दिया. राइट, सो इसको क्या मिल गया? डॉलर. इसको क्या मिल गया? रूपी. अंडरस्टूड? राइट, when I am speaking of an interest rate swap, that is an IRS, the principal amount is
नोशनल, मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन इतने प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड डज नॉट एक्सचेंज हैंड्स. क्या एक्सचेंज करेगा हैंड्स? ओनली द सेटलमेंट अमाउंट विल एक्सचेंज हैंड्स. सिर्फ सेटलमेंट विल एक्सचेंज हैंड्स ओवर हियर, राइट? सेटलमेंट क्या होएगा? इट इज नथिंग बट गेन और लॉस दैट विल एक्सचेंज हैंड्स, राइट? ऑन द अदर हैंड यू हैव अ करेंसी स्वॉप, इसमें प्रिंसिपल विल एक्सचेंज हैंड्स. कब एक्सचेंज करेगा? टुडे, ताकि जिसको डॉलर चाहिए था उसको डॉलर मिल जाए, जिसको रुपी चाहिए था उसको रुपी मिल जाए. देन कैन आई से इंटरेस्ट पेमेंट्स विल एक्सचेंज हैंड, एंड उसको मैं कैन आई से इट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा, कैन आई से गेन और लॉस. एंड कैन आई से थर्ड में जो होएगा दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल विल एक्सचेंज हैंड्स. कैन आई से इवन एट मैच्योरिटी, राइट? अंडरस्टूड? ऐसा होता है तुम्हारा स्वॉप. एंड इंटरेस्ट रेट स्वॉप इज वॉट? देखो इधर लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्वॉप इज एन IRS. Swaps do not trade on exchanges and retail investors do not generally engage in swaps. Rather, swaps are over-the-counter contract between businesses and financial institutions. इतना समझा? अभी swap के ना अलग अलग प्रकार होते हैं. One is a plain vanilla swap. इसमें क्या होता है? It is a fixed versus floating swap where one party agrees to pay fixed in return for floating rate. Interest is based on the notional amount. It is decided for a fixed period and has periodic set-offs. Understood? Ek sum dekhte hai iske upar. On 1 Jan 2018, A and B enter into a financial swap, the details of which are as follows. Notional principal $500 million, ek saal ka hai, quarterly settlement hoega, fixed leg rate is 10% and LIBOR, floating rate is 3-month LIBOR. A और B के अंदर एक स्वॉप एंटर हो रहा है. B इज अ फिक्स्ड रेट पेयर, मतलब B विल पे फिक्स्ड, मतलब कहने से ही विल रिसीव फ्लोटिंग. कैलकुलेट नेट कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ द 3-month LIBOR रेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हैपन टू बी, और तीनों क्वार्टर के LIBOR रेट्स दिए हुए तुमको. मतलब कहना इससे B के लिए गेन कब होएगा? व्हेन, कैन आई से, व्हेन LIBOR इज ग्रेटर देन फिक्स्ड, हु गेन्स? B gains. But can I say when LIBOR is less than fixed, B loses. That is A gains. क्योंकि उसको ज्यादा 10% पे करना पड़ेगा based on per annum rate, but उसको मिलेगा कितना? 10% per annum से कम रेट पे मिलेगा. So can I say he will make a loss, right? बराबर 12.5 per quarter आएगा because this is 10% per annum rate, right? And similarly LIBOR is also per annum rate. So can I say fixed is an outflow for him, floating is an inflow for him. Net agar inflow hai to A pays to B, and net agar outflow hai to B pays to A. Simple, this is nothing but how the swap has happened. Understood? The second type of swap that we have is an overnight index swap. Abhi tumko itna pata chala, ek plain vanilla swap hota hai jisme fixed aur floating ka hi exchange chalta hai. Ek fixed pe karta hai, dusra floating pe karta hai, right? OIS भी ऐसा ही होता है, but OIS is a plain vanilla swap which is entered for a very short period of time, say 5 days to 7 days to 10 days, say to a month, उससे ज्यादा का वो एंटर नहीं होता है. So now what is the difference between a fixed OIS, मतलब normal अपना plain vanilla, and an OIS? It is nothing but interest calculation. जो तुम्हारा फ्लोटिंग वाला और फिक्स्ड वाला केस था प्लेन वनीला बॉन्ड में, उसमें क्या होता था? फ्लोटिंग रेट ले लेते थे, फिक्स्ड रेट ले लेते थे, जो भी डिफरेंस हुआ वो कंपाउंड होकर तुम सेंट उसको कंपाउंड सॉरी नहीं होता था उसको तुम सेटलमेंट में डाल देते थे, राइट? OIS में योर इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑन द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड ऑन अ डेली बेसिस एक्सेप्ट फॉर संडेज.
मतलब संडे को कंपाउंडिंग नहीं होगा, जितना सैटरडे का इंटरेस्ट है उतना ही संडे का इंटरेस्ट रहेगा, राइट? जबकि फिक्स्ड लेग पे कंपाउंडिंग नहीं होगा। अगर सपोज 10% पर एनम इज द रेट एंड वी हैव एंटर्ड फॉर अ 7 डे स्वॉप अज्यूमिंग अ 365 डे ईयर ऑन रुपीज 100, द प्रिंसिपल दैट विल बी पेड और रिसीव्ड अंडर द फिक्स्ड लेग विल बी 100 × 700 into 10% into 7 divided by 365 which is equal to rupees 0.1918। ये तुम्हारा फिक्स्ड लेग का इंटरेस्ट होएगा, जबकि ये फ्लोटिंग लेग में नहीं होएगा, फ्लोटिंग लेग पे डेली बेसिस कंपाउंडिंग होएगा। अंडरस्टूड? बट द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कंपाउंडिंग फॉर संडे विल टेक प्लेस एट द रेट ऑन सैटरडे एंड ओपनिंग प्रिंसिपल ऑफ Saturday. Understood? Clear? Now let's move to the third type of swap. The third swap that we have is nothing but a swap between two people, matlab one buyer, one seller, which is based on the theory of comparative advantage. Sir, comparative advantage? Matlab mere ko agar fixed chahiye to mujhe floating saste mein mil raha hai. Tumko floating chahiye lekin fixed saste mein mil raha hai. To kya karenge hum dono? Jo nahi chahiye wo lenge. एक दूसरे को चिपका देंगे, जो फायदा होगा आपस में बांट देंगे, सो दैट द इफेक्टिव कॉस्ट इज लेस, राइट? टू पार्टीज अग्री टू स्वॉप इंटरेस्ट रेट लायबिलिटीज अमंग वन अनदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। द थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट्स दैट वन पार्टी हैज एन एडवांटेज इन द फिक्स्ड रेट मार्केट व्हाइल द अदर हैज एन एडवांटेज इन द फ्लोटिंग रेट मार्केट। स्वॉप हैपेंस बिकॉज बोथ गेट सम एडवांटेज विच वॉज अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो स्वॉप करने के लिए नियम क्या होंगे? हमको, मुझे क्या चाहिए था? फिक्स। तुमको क्या चाहिए था? फ्लोटिंग। लेकिन मैंने क्या लिया? फ्लोटिंग। तुमने क्या लिया? फिक्स्ड। तो फर्स्ट स्टेप इज मेक देम डू द थिंग्स दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू डू। हमको जो नहीं करना था वो हमने किया, राइट? द नेक्स्ट स्टेप इज, अभी हम लोग तो जो नहीं करना चाहते थे वो कर लिया, अभी क्या करेंगे? स्वॉप इट अप, राइट? एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? इफेक्टिव कॉस्ट एंड गेन ढूंढ लेंगे फॉर ईच पार्टी, राइट? तो सर ये स्वॉप करते कैसे? एक क्वेश्चन देखें। व्हाइट एंड ब्लैक बोथ विश टू बोरो $100 million फॉर 5 years एंड हैव बीन ऑफर्ड द फॉलोइंग रेट। व्हाइट को 5% फिक्स्ड है एंड एल प्लस 0.25 फ्लोटिंग है। ब्लैक को 4% फिक्स्ड है, एल प्लस 0.75 फ्लोटिंग है। दोनों को 5 साल के लिए चाहिए। व्हाइट रिक्वायर्स अ फिक्स्ड रेट लोन व्हाइल ब्लैक रिक्वायर्स अ फ्लोटिंग रेट लोन। व्हाइट को क्या चाहिए? फिक्स्ड। ब्लैक को क्या चाहिए? फ्लोटिंग। बट दोनों को सस्ता क्या मिल रहा है? इसको सस्ता क्या मिल रहा है? फिक्स्ड। इसको सस्ता क्या मिल रहा है? फ्लोटिंग, राइट? You are required to design a swap that will net a bank acting as intermediary a gain of 0.20% per annum that will appear equally attractive to both companies, right? The swap ka pehla niyam kya tha? Make them do the things that they don't want to do. Apna diagram kuch aisa lagega, white yahan par hai, black wahan par hai, dono ke beech mein bank hai jo intermediary ki tarah exchange kar rahi hai, right? Step 1, else humne kya liya? What did we take from white? We asked him to take a floating rate liability at L plus 0.25, right? And we asked black to take a fixed rate liability at 4%. So, matlab we made them do the things that they didn't want to do, right? But what did they want? White ko fixed chahiye tha, black ko floating chahiye tha. Uspe cost kya tha? 5 plus L plus 0.75. Humne kya karwaya unse? Jo wo nahi karna chahte the, cost kitna aaya? 4 plus L plus 0.25, right? तो कहने से दोनों का इफेक्टिव गेन 0.15 का आया। व्हाट दे वुड हैव डन वर्सेस व्हाट दे डिड व्हेन दे डिडंट वांट टू डू दैट थिंग, राइट? कहने से बैंक को 0.2% का गेन देना था, तो हमको कितने का गेन पड़ा? 1.30 हम दोनों के लिए, व्हाइट एंड ब्लैक इक्वली अट्रैक्टिव। कहने से दोनों 0.6565% का गेन बांट लेंगे, तो कहने से इफेक्टिव कॉस्ट कितना हुआ? जितने में खुद को पड़ा माइनस द गेन, जितने में खुद को पड़ा माइनस द गेन, राइट? इफेक्टिव कॉस्ट ढूंढ लिया। बट सर व्हाइट को तो एल प्लस 0.25 आया, पे कर रहा है ना फिलहाल, तो कहने से उसको एल प्लस 0.25 आना भी चाहिए, तो उसको एल प्लस 0.25 बैंक देगा, राइट? कहने से इतना आ रहा था इतना गया, उसको कोई जेब पे फटका हुआ नहीं, बट उसको तो 4.35 का फटका लगवाना है, सो ही विल पे 4.35% टू द बैंक, राइट? बराबर, बैंक खुद का गेन ले लेगा 0.2% का।
ब्लैक 4% किसी को पे कर रहा है, मतलब उसको 4% का इनफ्लो भी तो चाहिए ना फिक्स्ड, तो ही टुक इन 4 एज फिक्स्ड इनफ्लो फ्रॉम द बैंक, राइट। 4% गया, कुछ खर्चा है अभी तक नहीं, उसको खर्चा कितने का देना है इफेक्टिवली, एल प्लस 0.10, एल प्लस 0.10 वो बैंक को पे करेगा। तो कहने से बैंक के पास 4.35 आया, उसने 4 पे किया, राइट। उसके पास एल प्लस 0.1 आया और उसने एल प्लस 0.25 पे किया, तो उसके हाथ में कितना बचा, कहने से 0.35 प्लस 0.1 लेस 0.25 विच इज नथिंग बट 0.20 जो उसका गेन था। अंडरस्टूड, दिस इज हाउ योर स्वॉप ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज टेक्स प्लेस, क्लियर सर? कंपैरेटिव एडवांटेज समझा, तो दूसरा क्या है? द नेक्स्ट इज अ स्वॉप ऑन टू पार्टीज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज, मतलब दोनों में एक ही जन को फायदा है, तो सर ऐसा कोई क्यों करेगा? रैशनल पढ़ते हैं, क्यों करेगा? वन पार्टी हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर बोथ, वो तो हम लोग ने अभी बोला। वन विल वंडर व्हाई शुड द पर्सन इन सच अ केस स्वॉप, दिस पॉसिबली एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन व्हाई ट्रेड एग्जिस्ट। अगर हम ही सब चीज में अच्छे, अगर हम ही सब बनाएंगे तो ट्रेड होगा, इकोनॉमी में ट्रेड होएगा नहीं होएगा, राइट। सो तुम क्या करना पसंद करोगे? कैन आई से यू विल राइट टू बाय दोस थिंग्स इन विच यू हैव अ लेसर एडवांटेज एज कंपेयर टू द अदर, राइट? समझा नहीं, पढ़ते हैं। इफ वन कंट्री इज गुड इन डूइंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड देन व्हाई डज द अदर कंट्री एग्जिस्ट, और व्हाई डज ट्रेड हैपन? दिस इज प्रोबेबली बिकॉज दे प्रिफर टू एम्प्लॉय देयर असेट्स इन दोज एरियाज in which they have the maximum absolute advantage, that is in areas where they are far better, मतलब जिधर हम अच्छे हैं उधर अपने सब assets pool कर देंगे और वो चीज और अच्छी करेंगे, ना कि सब करके specialization ना गवाए, right? If we do all, we are losing upon the specialization of the asset where we have the maximum advantage. So we rather focus our assets on the asset which will give us maximum advantage, और बाकी सब में transactions enter कर लेते हैं, right? This will also end up giving you a gain as such. Understood? Right. And obviously, एक चीज implied है in a question of swap, that if your question does not specify the effective cost or gain to the other party, मतलब gain अगर बताया नहीं है कि दोनों parties कितना लेंगे, it is always assumed to be share equally between the two parties. Right? दोनों equally gain share कर लेंगे. Fair enough? Right? अगला आता है स्वॉप कोटेशंस। फॉरेक्स के कोटेशन याद है, बिड एस्क, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। व्हेन अ कस्टमर गोज टू द बैंक टू स्वॉप हिज इंटरेस्ट रेट लायबिलिटी, द कोटेशन गिवन बाय द बैंक्स आर वेरी स्टैंडर्ड, दैट इज वेरी सिमिलर टू फॉरेक्स रेट लाइक द सेल एंड द बाय रेट। सपोज मिस्टर एक्स गोज टू अ बैंक फॉर अ स्वॉप, बैंक कोट्स अ 5-year स्वॉप एट 60 और 90 bps ओवर 5-year ट्रेजरी, एंड 5-year ट्रेजरी इज 7%। कहने से बैंक ने रेट क्या दिया है, 7.60% / 7.90%, राइट। फॉर अ पर्सन इट इज अ सेल एंड बाय केस, राइट, फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कहने से सेल मतलब नथिंग बट इन्वेस्ट, एंड बाय मतलब नथिंग बट लोन लेना, दैट इज बोरो, राइट। सपोज मिस्टर एक्स हैज एन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड रेट लायबिलिटी, ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट हिज फिक्स्ड रेट लायबिलिटी इनटू अ फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी, मतलब फिक्स्ड बेचना, ही वॉन्ट्स टू गेट रेट ऑफ द फिक्स्ड, ही वॉन्ट्स टू सेल फिक्स्ड, so what will be the applicable rate? 7.60, right? He wants to receive fixed from the bank, that is the bank is a fixed rate payer, so bank will pay less in terms of the floating rate, right? ये तो floating का code दिया है ना तुमको, it will trade at t plus 0.60, मैंने बोला वो गलत बोल दिया, it was my mistake, it is 7.60% / 7.90% effectively for the floating leg, and this is the sell rate and the buy rate, right? Iske paas already fixed hai, matlab kehne se he wants to get away from the fixed rate, right? Bank tumko 7.6 pay karega ki 7.9 pay karega? 7.6, wahi bola hai na yahan par. Suppose he has a floating rate liability, right? He wants to convert his floating rate liability into the fixed rate liability. मतलब कहना है से बैंक को तुम अभी floating में अपना बेचने जाओगे, right? बैंक सस्ते में खरीदेगा या महंगे में खरीदेगा?
महंगे में खरीदेगा, यू विल हैव टू पे 7.9, राइट? बैंक विल रिसीव मोर. फॉरेक्स का अगर सेल बाय क्लियर है ना, तो ये क्लियर है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स एज सच, अंडरस्टूड? लास्ट स्वॉप पे जाते हैं, विच इज नथिंग बट अ करेंसी स्वॉप, राइट? इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में क्या होता था, हम लोग एक प्रिंसिपल डिसाइड कर देते थे, उस पर अपना इंटरेस्ट सेटलमेंट नोशनली हर पीरियोडिक सेटलमेंट डेट पे करते थे, राइट? इन केस ऑफ अ करेंसी स्वॉप, द टू पार्टीज अग्री टू पे ईच अदर्स डेट ऑब्लिगेशन विच आर डिनोमिनेटेड इन डिफरेंट करेंसी. मतलब सेम रूपी डॉलर वाला एग्जाम्पल जो लिया था, मुझे रूपी चाहिए बट डॉलर लोन है मेरे पास, और उसको डॉलर लोन चाहिए बट उसके पास रूपी लोन है, तो क्या किया, स्वॉप. बट एक डिफरेंस मैंने बोला था, कहना इसे द एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल टेक्स प्लेस टूडे, इंटरेस्ट पेमेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द लोन एंड री एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, राइट? एग्जाम्पल देख लेते अभी वापस से. सपोज द स्पॉट रेट टूडे इज डॉलर पर पाउंड 1.50. A US company raises a loan of 1 lakh pounds from bank, from some bank in Britain for 3 years at an interest rate of 12% per annum. This means that the US company is supposed to pay 12,000 as interest at the end of every year and has to repay 1 lakh at the end of 3 years. Matlab US firm hai, to US firm ki home currency kya hui? Dollar. Aur usko pound loan mila. On the other hand, a UK company has taken a loan of $1,50,000 from some bank in the US at 10% per annum. राइट, यूके की करेंसी क्या हुई, पाउंड, बट लिया कौन सा लोन, डॉलर. तो दोनों ने क्या कर दिया, दे स्वॉप द अबव लोन्स फॉलोइंग द थ्री पॉइंट्स स्टेटेड बिलो. कैन आई से डॉलर पर पाउंड इज इक्वल टू 1.50, सो कैन आई से यूके कंपनी हैज आल्सो इफेक्टिवली टेकन अ लोन ऑफ पाउंड्स 1 lakh ओनली एट द स्पॉट रेट. Or can I say the US firm has effectively taken a loan of $1,50,000 today, right? Same principle hai, they have exchanged their hands, so periodically they will also make interest payments. Matlab, can I say UK company 1.5 lakh dollars pe 10% per annum interest US company ko pay karegi, right? बराबर नहीं समझा, यूके कंपनी विच हैज पाउंड एज इट्स होम करेंसी एंड यूएस कंपनी विच हैज डॉलर एज इट्स होम करेंसी, यूके कंपनी के हाथ में स्वॉप के बाद कितने लाख का लोन है, कहने से पाउंड 1 lakh, एंड इसके पास कितने का लोन है, डॉलर 1,50,000. दिस इज पोस्ट स्वॉप दैट आई एम टॉकिंग, राइट? बराबर, यूके कंपनी का डॉलर 1.5 पे कितना परसेंट था इंटरेस्ट, 10%, एंड इसका कितना था, 12%, राइट? सो द यूएस कंपनी विच हैज टेकन अ पाउंड लोन विल पे, कैन आई से कितना, कितना पे करेगा वो, उसको तो पाउंड लायबिलिटी नहीं चाहिए थी ना उसके सर पे. कैन आई से यूएस कंपनी के हाथ में अभी तो डॉलर लोन है अभी, राइट? तो वो कितना पे करेगा यूके कंपनी को, कैन आई से इट विल पे $15,000, राइट? एंड कैन आई से सिमिलरली द यूके कंपनी विल पे पाउंड 12,000, क्योंकि लायबिलिटीज दोनों की हाथ बदल चुकी है अभी, राइट? राइट, बराबर. कैन आई से दिस रिसीव्ड डॉलर 15,000, और एक्चुअली ये लोन तो इसका है ना, तो ही विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ डॉलर 15,000 टू द बैंक, तो कैन आई से उसको डॉलर एट डॉलर चला गया, नो एक्सपोजर, राइट? सिमिलरली कैन आई से पाउंड लायबिलिटी इसकी है, ही हैज टू पे पाउंड 12,000 टू द बैंक, तो कहना ही से उसको पाउंड 12,000 आ गया, उसकी लायबिलिटी कितनी आई, $15,000. मतलब कहना से दे बोथ टुक देयर लायबिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज, राइट? बाय एंटरिंग इन टू द स्वॉप, दोनों ने खुद की करेंसी का लायबिलिटी उठाया ना, दैट इज नोन एज नथिंग बट अ करेंसी स्वॉप, एंड एट द एंड दे विल अगेन चेंज बैक द प्रिंसिपल विच विल एक्सचेंज देयर हैंड्स एज सच, क्लियर? इसी के साथ अपना स्वॉप्स का
सीजन फिनाले का फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ, राइट? सी ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड विच विल कवर द नेक्स्ट टू टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्लियर? सी यू सून.